ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ, बाय बाय। जी मैं भी आता हूँ। मैंने उसे नहीं मारा। पर मेरे बेटे ने बोला है कि तुमने उसे मारा है, और बच्चे झूठ नहीं बोलते। ये मेरी तरफ भाग कर आया और इसकी वजह से मेरा फोन टूट गया। तुमने अपना फोन खुद तोड़ा होगा और अभी मेरे बेटे पे इल्जाम डाल रहे हो। तुम्हारा फोन पहले से ही टूटा हुआ था। तुम ठीक हो ना बेटा? मम्मी आ गई है। उधर क्या देख रहे हो? मैं बता देती हूँ, अगर मेरे बेटे को कुछ हुआ ना तो उसका मेडिकल बिल तुम्हें देना होगा। अंकल ने इसे धक्का नहीं मारा। तुम चुप रहो, तुम्हें क्या पता है? हाँ आंटी, अभी अभी आपने बोला कि बच्चे झूठ नहीं बोलते हैं। अगर आपका बेटा झूठ नहीं बोलता है तो आपको क्यों लगता है कि मैं झूठ बोल रहा हूँ? एकदम चुप। ये तुम्हारा क्या लगता है? हाँ अब समझी मैं। ये तुम्हारे पापा है ना? सच बताओ मुझे, ये तुम्हारे पापा है ना? कहाँ छुप रहे हो इनके पीछे? आप बच्चे से आराम से बात कीजिए। देखिए आंटी, अगर आपको मुझ पर विश्वास नहीं है तो आप जाकर सीसीटीवी का फुटेज चेक कर सकती हैं। जरूर करूंगी, मैं किसी से डरती थोड़ी हूँ। चलो, घटिया लोग कहीं के। चलो मिसली, आपने मेरे लिए जो किया उसके लिए थैंक यू। मैं इस बारे में वाकई सोचूंगी और इसका कोई सलूशन निकालूंगी, होपफुली। सनी कहाँ हो तुम? मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ। सिक्योरिटी रूम में? पर तुम वहां पर क्या कर रहे हो? वहां से हिलना मत, मैं तुम्हें लेने आ रही हूँ, कहीं मत जाना। सनी। मम्मा। तुम ठीक तो हो ना बेटा? मैं ठीक हूँ, बाय बाय। सनी खेलना बंद करो। सॉरी, मेरा बेटा वेजिटेरियन है तो आपको भी शायद। कोई बात नहीं, वेजिटेबल्स खाना अच्छा है, ये सेहत के लिए फायदेमंद है। मैं भी वेजिटेरियन ही हूँ। क्या मैं आप लोगों का ऑर्डर ले सकती हूँ? ये है हमारी आज की मेन्यू, ये देखिए। थैंक यू। नंबर वन फॉर मी। मुझे नंबर फोर चाहिए। इनमें से तुम कुछ भी चुन लो। मुझे नंबर दो का मेन चाहिए और नंबर तीन का साइड। क्या आप इसे कंबाइन कर सकती हैं? क्या ये पॉसिबल है? ऐसा नहीं हो सकता। फिर तीन नंबर वाला? ठीक है, नंबर तीन। तुमने मैसेज का जवाब नहीं दिया।
लोग बदल सकते हैं। लोग बदल सकते हैं पर उनका स्वभाव कभी नहीं बदलता। याओ याओ, मुझे माफ करना, मैंने यांग हुआ को इसमें शामिल किया ताकि वो किन्शी को मना सके। सनी, लो तुम म्यूजिक सुनो। इसे लगा लो। क्या कोइंसिडेंस है, मिस किन तो तुम्हारी वाइफ है ना? क्या तुम्हारे केस के बारे में तुम्हें मेरी राय सुननी है? हाँ जरूर, बताओ। दरअसल मैंने कानून की पढ़ाई इसी तरह के मामलों के लिए पढ़ी है। अगर तुम कानून का रास्ता चुनती हो तो रिजल्ट चाहे कुछ भी हो, लेकिन तुम हार जाओगी। इस मुआवजे और समय में तुम्हारा बहुत ज्यादा नुकसान भी हो सकता है। अब यहाँ प्रॉब्लम इन है तो फिर हम डील भी उसी से ही करते हैं जिससे ये केस जीतने में तुम्हें आसानी हो। और वो कैसे? इसके दो तरीके हैं, पहला उसकी मांगे पूरी करो और दूसरा उसे निकाल के बाहर करो। मुझे लगता है दूसरा सही होगा। और इसके भी दो फायदे हैं। पहला, तुम्हारा रेजिग्नेशन कोई और तय नहीं करेगा। दूसरा, तुम टियान हांग को उसके लिए छोड़ना चाहती हो, ना कि टियान हांग के लिए। और अगर तुम्हें बॉस अच्छा मिला तो तुम टियान हांग को कभी नहीं छोड़ोगी। तुम सही कह रहे हो, लेकिन हम उसे कैसे बाहर निकाल सकते हैं? जैसा कि मैंने कहा था कि इंसान का स्वभाव नहीं बदलता है। वो स्वभाव से मिसोगैनिस्टिक और शोविनिस्ट हैं। अपनी पावर बनाए रखने के लिए और अपनी पोजीशन का फायदा उठाकर वो दूसरे लोगों से गलत संबंध बनाएगा। उन पर नजर रखने वाला कोई भी नहीं है। आपको लगता है वो कभी रुकेगा? ये तो बहुत ही अच्छा प्लान है। हम इस एरिया में और सबूत जुटा सकते हैं। ये तो हिडोंगना के केस जैसा ही है। जानबूझ के सबूत छुपाने से तुम ये केस हार जाओगी। मैं ढूंढती रहूंगी, उसके पास्ट से हमें कुछ पता चल सकता है। अब तो बहुत सारे राज खुलने बाकी है। हाँ, मैंने उस चीज की छानबीन की है। मैं तुम्हें एक बात बता सकती हूँ कि किसने अपनी मर्जी से किया और किससे जबरदस्ती करवाया गया। लेकिन तुम्हें ये पता होना चाहिए, अगर तुम उनके पास चली भी गई वो सामने नहीं आएंगे। बहुत साल मैंने उसके खिलाफ लड़ाई की है। जो मुझे सपोर्ट करते थे वो भी सब एक एक करके पीछे हट गए। अब बस मैं ही बची हूँ और अब मैं बहुत थक गई हूँ। अब बस बहुत हो गया। मैं सनी के साथ रहना चाहती हूँ। ये लड़ाई मैं और नहीं लड़ सकती हूँ। क्या तुमने कभी इस जगह को छोड़ने के बारे में सोचा है? नहीं। मुझे नहीं लगता ये जगह तुम्हारे लिए है। लेकिन मुझे तो ऐसा लगता है। मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ। मैं भी नहीं कर रही हूँ। अगर मुझे जाना होता तो मैं अब तक जा चुकी होती। मैंने यहाँ इतनी मेहनत की है और अब मैं अगर चली गई तो मेरी 2 साल की मेहनत बेकार चली जाएगी। मैंने अभी तक अपना लक्ष्य नहीं पाया है, तो अभी मेरे जाने का टाइम नहीं हुआ। मुझे पता है, मैडम टैंग ने तुम्हें टियांगयांग के लेबर डिस्प्यूट का कॉन्ट्रैक्ट दिया है और मैं इसके लिए जिम्मेदार हूँ। वो केस मुझे दे दो, तुम इसे फॉलो अप मत करो। ताऊजिन हुई, तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कहाँ से मिलता है? थोड़ा उधार में दे दो ना। तुम्हें लगता है कि तुम्हें कोई हरा नहीं सकता। तुम मिस्टर यिन को बचाने के लिए अपने प्रिंसिपल्स को भी छोड़ने के लिए तैयार हो? मैं एक लॉयर हूं और मेरे भी अपने एथिक्स हैं। मुझे याद है हमारे यूनिवर्सिटी के लेक्चरर ने एक बार कहा था कि जब वकील सीरियसली अपने एथिक्स की बात करता है तो वो सच में एक बात को छुपा रहा होता है, कि वो पहले से ही पैसे और इस खेल में किसी और का मोहरा बन चुका होता है। और मुझे लगता है कि ये कहीं हद तक सही भी है।